देखो जी, जो डेवलपमेंट की बात की आपने कंसिस्टेंसी डुंगी की, डुंगी में जब हम डीडीसी बने थे तो उस वक्त डीडीसी की बनने के बावजूद इन लोगों के मैंने काम किए हैं, काम हमने रोडों के किए हैं, ज़्यादा रोडों की लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से को 15 रोडें जो हमने नवाड के अंदर अप्रूवल करवाई हैं, वो मुझे लगता है कि इस मार्च अप्रैल तक टेंडर लग के और अगले इस 2-4 महीने में ये काम लोगों के शुरू होंगे, जहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है और ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया है, तो इसमें रोडों के जो है हमने काफ़ी सारे काम जो है किए लोगों के, जो डीडीसी फंड्स के मेरी फंड्स थी अपनी फंड्स जो डीडीसी की पर्सनल, तो उसमें से भी हमने लोगों की रोडों को ज़्यादा काम रखे हैं। आप मेरी लिस्ट चेक कर ले तो मैंने उसमें 90% लोगों की रोडें रखी, और रोडों की जब मैं जाता था वोट मांगने के लिए तो लोगों की यही रिक्वायरमेंट थी कि जनाब हमें ट्रैक्टर रोड दी जाए, तो लोगों की बड़ी समस्या थी रोड की, तो रोड का हमने काफ़ी सारा काम किया और इंशाल्लाह आगे भी हम डीपीआर बनवाएंगे, कुछ पीडब्ल्यूडी के अंदर भी मैंने दी हैं रोडें, कुछ मैंने नवाड़ की तो मेरी आ गई हैं, तो PMJSY की मैंने भी कुछ दी हैं, वो भी आ जाएंगी और वो उसके बारे में मैं तब बताऊँगा जब मेरी रोडें अप्रूवल होकर आ जाएंगी। खाल साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट तभी होती है जब वहाँ की बच्चों को तालीम अच्छी मिलती है, मियारी तालीम मिलती है, अगर तालीम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस मैक के अंदर आपने कितने काम किए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कॉलेज का मसला था, तो कॉलेज का मसला हमने करवा दिया है, तो ये टेंडर लग चुका है, तो ये मार्च अप्रैल में ये काम जो है कॉलेज का शुरू हो जाएगा, तो क्लासें भी हमारी बैठी हुई हैं यहाँ पे, पहले बिल्डिंग की बड़ी दिक्कत थी, तो मुझे लगता है कि अगले एक साल तक जो ये बिल्डिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इन लोगों की जो समस्या है पूरी आवाम की, बच्चों की, तो वो अगले एक साल तक ये जो कॉलेज बन के, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पूरी क्लासें यहाँ बैठेंगी और इन लोगों की पूरी हमने जुड़ के और ये जो काम था ये बराबर हमने करवाया है, तो लोग इसमें बड़े खुश हैं जो कॉलेज हमने लाया यहाँ पे, तो कॉलेज का बिल्डिंग का काम शुरू होने वाला है, तो लोगों की जो बच्चों की समस्या थी वो बड़ी दूर हो गई। रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो लोगों को खास तौर पर नरेगा से लेकर काफ़ी परेशानी आ रही है नरेगा के हवाले से, क्योंकि लोगों की आज भी जो है पिछली पेमेंटें जो हैं 16, 17, 18 या 19 की पेमेंटें जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं, उस हवाले से लोग काफ़ी परेशान हैं। आप एज DDC काउंसलर उसके हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, जो रूरल डिपार्टमेंट की आपने बात की, ये बात आपकी सही है कि हमारे बनने से पहले जो लोगों की पेमेंटें नहीं हुई थी, कोई शक नहीं इसमें, ये था। जब हम बने हमने हर सरपंच को, हर मेंबर को, हर पूरी आवाम को और पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ बात करके लोगों की समस्या दूर की है, लिहाजा पेमेंटों जो आज की डेट में निर्गा के अच्छे काम चल रहे हैं। बीच में लोगों का क्या था कि PMA के जो केस चल रहे थे वो बड़ी एक दिक्कत आ रही थी, इसमें काम की रफ्तार जो थी कम थी, क्योंकि PMA के जो मकान थे उसमें 20,000 रुपया पेमेंट आती है उसके अकाउंट में, निर्गा अकाउंट, निर्गा जो एक अकाउंट होता है एक आदमी का, उसका मकान बन रहा था, तो मकान की वजह से जो लोगों की थोड़ी सी पेमेंटें की दिक्कत हुई है, लिहाजा हमने वो भी दूर की है और पूरे, मुझे लगता है कि मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं मेरे पास अभी तक, तो इंशाल्लाह पूरे काम जो हमारे प्रॉपर तरीके से रूरल डिपार्टमेंट के चल रहे हैं। खालिद साहब, बताएं कि KV स्कूल हमारे रजौरी में ही है, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे आर्मी भी है, तो KV स्कूल को लेके आपको क्या कहना है यहाँ? देखो जी, KV स्कूल के लिए तो बड़ी जद्दोजहद हमने की है, और जब हमारे यहाँ पे ब्लॉक डूंगी में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में बच्चे लोगों के बड़े गरीब घर के हैं, तो गरीब घर के बच्चे जो हैं ये इस स्कूल में दाखिल होंगे, ये बच्चों की बड़ी एक समस्या थी, तो ये जो KV स्कूल है, KV स्कूल के जब हम DDC बने तो मैंने ऊपर से जाके CA से और ये जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिल के, ऊपर से जो जितने भी इनके जो ऑफिसर बैठे हैं और DC साहब से हमने यहाँ से रिपोर्ट डालवाई थी, तो चिट्ठी लिखवाई थी ऊपर, तो उस पर से हमने अप्रूवल करवा दिया, तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने में इसका भी टेंडर लग के और ये KV स्कूल का काम जो है हमारा डूंगी ब्लॉक में शुरू होने वाला है। डूंगी ब्लॉक एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो बॉर्डर सर के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो पड़ता है, ऐसे इलाके में हेल्थ को लेकर जो हमेशा परेशानी रहती है, यहाँ एम्बुलेंस की परेशानी रहती है, डॉक्टरों की परेशानी रहती है, कई बार जो है बहुत सारे इशू रहते हैं मेडिकल हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ के हवाले से आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखो जी, हेल्थ के लिए जो आपने बताया बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये ज़्यादा समस्या है लोगों की, ये बिल्कुल आपका कहना राइट है। हमने पिछले दिनों में हमारे भाई साहब BDC रियाज साहब ने और हमारे चेयरमैन साहब आए थे यहाँ पर हमारे इलाके में, तो उन दिनों में मैंने DC साहब को नहीं फ़ोन किया, पर हमारे भाई साहब ने करवाया है, रियाज साहब ने करवाया है, वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस थी उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो वो हमने चट्टियाड़ हॉस्पिटल के अंदर
आ गई है हमारी, तो उससे लोगों का बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला लोगों को, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरत थी हमारी, ये मांग थी, तो वो इंशाल्लाह मिल गई है। तो मैं रजौरी इंतज़ामिया का और डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुन ली, तो ये जो एम्बुलेंस है ये यहाँ पर दे दी। खाल साहब, अगर हम ट्राइबल की बात करें तो कितने आपके जो हैं मॉडल ट्राइबल विलेज हैं और उसमें आपने कितने का प्लान बना के दिया और वो काम कब तक शुरू होंगे? देखिए जी, जो हमने प्लान बनाया वो पंचायतों के हिसाब से बनाया। मेरी 21 पंचायतें हैं कंसिस्टेंट डूंगी की, किला द्राल, डूंगी ब्लॉक, तो पंज ग्राई, तो रजौरी ब्लॉक। इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ मेरी जो पंचायतों थे, पंचायतों में जो काम है वो आने वाले हैं, मतलब मार्च तक मेरे लगता है कि ये काम आ जाएंगे। कुछ जो मेरी पंचायतें बची हैं वो भी शाहिद साहब के पास में गया था, मैंने पूरी लिस्ट दी है, मैंने किसी पंचायत में मतलब वो कसर नहीं छोड़ी है। तो पूरी पंचायतों का मैंने लिस्ट बना के दी है कि हर पंचायत में मेरा ये कोटा जो है ये मिलना चाहिए, लोगों को बेनिफिट है इसमें। तो वो मुझे लगता है कि मार्च तक मेरे काफ़ी पंचायतों में काम शुरू होने वाला है इसका। तो खालिद साहब, हमें बताएं कि जो ये कलर से लेकर शाहपुर तक ये डिफेंस रोड है, इसकी वाइडिंग के लिए आपने क्या क्या किया है? कलर में जनाब, जो आपने बताया कलर से पीरब्रसर, ये बॉर्डर एरिया की रोड है, ये ग्रिफ की रोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड है ये। इसमें बहुत ज़्यादा कानवाई चलती है आर्मी की, तो जब गवर्नर ने ये डिपकम साहब हमारे रजौरी में आए थे तो मेरा पहला सवाल यही था कि मुझे जनाब कलर से लेकर पीर बिडेसर तक ये रोड जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको चौड़ा किया जाए रोड को। रोड में बड़ी सिंगल रोड है तो लोगों की गाड़ियां जो है मैक्सिमम एक्सीडेंट होती हैं। तो उन दिनों में हमारे साथ डिपकम साहब ने दौरा भी किया, मैं डिप साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस वक्त उन्होंने रात के टाइम यहाँ से हमारे साथ गए पीर बिडेसर तक, ये पूरा इलाका देखा और ये बॉर्डर के जो अलसी लाइन के लोग देखे उन्होंने। तो पानी की बड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा था कि रोड जो है ये मैं प्रायोरिटी में रखूंगा, और मुझे लगता है कि मेरी रोड ये प्रायोरिटी में आ चुकी है और जिसका जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। और बंकर की जो प्रॉब्लम थी, बंकर की जो प्रॉब्लम थी उसमें भी मैंने वहाँ पर डिप साहब का सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी में हम जो है रजौरी में डूंगी ब्लॉक में जो यही बंकरों की हम प्रायोरिटी में काम देंगे। मुझे लगता है कि मार्च में मेरी ये लिस्ट जो वोट होने वाली है, जो मैंने प्लान दिया था, मुझे लगता है कि मार्च में मेरे ये काम जो हैं मतलब बंकरों की, ये एलसी लाइन पे लोगों को शेलिंग जो आती है तो उसमें बड़ी ज़रूरत है कि लोग गरीब लोग हैं तो कच्चे मकान बने में जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग आती है तो उस तरफ बड़ी लोगों को दिक्कत होती है जनाब, ये जल्दी से जल्द शुरू हो जाएगा। तो खालिद साहब बताएं कि यहाँ पर ये बॉर्डर एरिया है, स्मार्ट क्लासेस को लेकर यहाँ पर क्या जद्दोजहद की है आपने? स्मार्ट क्लासों के लिए हमने हर जगह जहाँ जहाँ हमें लगता था कि स्कूलों में दिक्कत है बाउंड्री वाल और स्कूल के जो कमरे कम थे वो भी हमने करवाए हैं। एक पोठी का हमने स्कूल करवाया अभी 15 लाख का, वो बॉर्डर के साथ में एक मेरी वार्ड है पचास चलास में, वो मैंने शुरू करवाया है। और चलास में हाई सेकेंडरी स्कूल का काम भी शुरू कराया, और जहाँ जहाँ मेरी ब्लॉक में मुझे लगता था पड़ा पे, बगला पे, अंदरूट पे, और ये नैका पे, ये डूंगी ब्लॉक और ये रजौरी जो मेरी ब्लॉक है, इसमें जहाँ भी मुझे कमी लगती थी और मैंने वो काम शुरू करवाए हैं। कुछ काम शुरू होने वाले हैं स्कूलों के, उनके टेंडर लग चुके हैं, तो वो जैसे गवर्नमेंट टेंडर ओके करती है तो मुझे लगता है कि वो काम शुरू हो जाएंगे। डेवलपमेंट अच्छी होगी बच्चों के लिए, तालीम के लिए अच्छी डेवलपमेंट होगी। जनाब, मैं पूरी आवाम को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी तरफ से 24 घंटे में आप लोगों के लिए बैठा हूँ। आप लोगों ने मुझे जता के DDC कंसिस्टेंसी डूंगी के अंदर बैठाया हुआ है और मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात 2 बजे मुझे कॉल करें, जहाँ जहाँ लोगों को दिक्कत आती है मैं आवाम को कहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मेरे को रिंग करो, मैं आपकी सारी समस्या दूर करूँगा। जहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम आती है मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ और हर जगह पहुँचने के लिए मैं तैयार हूँ जहाँ मुझे रात को बुलाएगा। तो मैं पूरी आवाम को ये यकीन देता हूँ कि मेरे तरफ से कभी भी पूरी आवाम को लेकर अंदरूट, डूंगी ब्लॉक और नैका और पूरी ब्लॉक जो मेरी है कंसिस्टेंसी डूंगी और रजौरी कंसिस्टेंसी पूरी तक मेरी, जहाँ तक जनाब मुझे लोग अगर रात को फ़ोन करते तो मैं जनाब वैसे भी एक्टिव रहता हूँ 24 घंटे, तो इंशाल्लाह अभी तक तो मैंने दिक्कत आनी नहीं थी, तो मैं लोगों को फिर भी यकीन देता हूँ कि आप कभी भी मेरे को फ़ोन करें तो इंशाल्लाह मैं लोगों के पूरी तरीके से काम करूँ।